सो गाइज, फाइनली अपनी मिस एंड चीफ कंपनी की रिमोट कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर रोबोट कार आ चुकी है और इस कार के लिए मैंने पे किए हैं 1024 रुपये। आप देख सकते हो इधर प्रिंटेड है टोटल प्राइस। फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और निकालते हैं अपनी रिमोट कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर रोबोट कार को। ये की मैंने अनबॉक्सिंग, प्यारी सी अनबॉक्सिंग आप सभी के सामने, जैसा भी जो भी कुछ होगा आप सभी के सामने प्रकट होगा माँ शेरा वाली की तरह। तो गाइस सबसे ऊपर ही मिस एंड चीफ कंपनी का लोगो निकाल ली जाए अपनी कार बाहर। ये रही अपने नन्हे से डिब्बे में अपनी रिमोट कंट्रोल कार। ये पहले से ही रोबोट मोड में, आप देख सकते हो पहले से ही रोबोट मोड में इन्होंने इस डिब्बे में के अंदर पैक की हुई है। उतारते अपने लेबल को, इधर से अनबॉक्सिंग करते अपनी मिस एंड चीफ कंपनी की कार को। टेंटन अपनी कार आ चुकी है बाहर, बॉक्स का कोई काम नहीं है, इसे भगाते बाहर। बॉक्स के अंदर सबसे टॉप पे मिलती है अपनी रिमोट कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर रोबोट कार। और भाई इसकी लुक देखो कितनी गदर लुक है रोबोट की, है ना। और इसमें दो मोड है, एक नॉर्मल में सिंपल कार की तरह चलेगी फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, और एक है ये रोबोट मोड जिसमें डांस वगैरह भी करती है, म्यूजिक वगैरह भी है, काफ़ी सीन है, अभी मैं दिखाऊंगा आगे आपको वीडियो में। और बैकवर्ड में आप देख सकते हो इसका एक चार्जिंग का पोर्ट है और एक है ऑन ऑफ का बटन। रखते हैं इसको एक तरफ, दूसरा हमारे पास रिमोट फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, और ये है ऑटो मोड, इसमें डांस वगैरह अपने आप ही काम करती है। और ये है रोबोट बनाने के लिए और नॉर्मल कार यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बॉक्स में मिलता है एक USB टाइप चार्जिंग केबल इस कार को चार्ज करने के लिए, और तीन बैटरी चार्ज रिचार्जेबल बैटरीज हैं, नॉर्मल बैटरी से अलग है, रिचार्जेबल बैटरी है। कार में डलती है तीन बैटरी और दो बैटरी डलती है अपने रिमोट में, रिमोट के लिए हमें अपनी बैटरी लगानी पड़ती है, कार के लिए खुद दे रहे हैं। और बैटरी बैकअप इसका वन टाइम चार्जिंग के बाद 30 से 45 मिनट आराम से निकाल देता। कार की क्वालिटी है ना वो एकदम बेस्ट है, मिस चीफ की कार मेरे को काफ़ी पसंद आने लगी है आजकल RC के मुकाबले, और भाई इसका प्राइस भी कम है।